soon after meeting Prime Minister Narendra Modi over the worsening security situation in Jammu and Kashmir, Chief Minister Mehbooba Mufti said on Monday a conducive atmosphere was needed for restoring order in the troubled state. After the meeting at the Prime Minister's 7 Lok Kalyan Marg residence, Mehbooba, speaking to reporters, said, After the meeting at the Prime Minister's 7 Lok Kalyan Marg residence, Mehbooba, speaking to the reporters, said, कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले एक दो महीने से हालात खराब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद उसमें क्या हुआ किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का उसका भी डिस्कशन हुआ जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है और उसमें बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे किसी न किसी लेवल पर बात होनी चाहिए और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पर जोर दिया दबाव डाला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ गवर्नेंस को भी पॉसिबल हो डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो डायलॉग भी पॉसिबल हो Mehbooba said she was confident of finding a solution to the festering trouble in the Kashmir Valley. कल मेरी जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी है उसमें हम बैठ के कोई राय अमल इसमें बनाएंगे जिससे हम ये जो जो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जिस उकसाया जा रहा है पत्थरबाजी के लिए दो तीन वजह है एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसिल्यूजनड है जो खफा है जो नाराज हैं, दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे Meanwhile, sporadic clashes continued in Kashmir as colleges and universities opened on Monday after remaining closed for over a week. The educational institutions were closed following widespread protests by students after security forces entered a college in South Kashmir's Pulwama town on April 12th. IANS report.